नेकी का बदला। एक वृक्ष डाल पर एक कबूतर बैठा था। वह वृक्ष नदी के किनारे था। कबूतर ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि नदी के पानी में एक चींटी बहती जा रही है। वह बेचारी बार बार किनारे आना चाहती है, किंतु पानी की धारा उसे बहाए लिए जा रही है। ऐसा लगता है कि चींटी थोड़े क्षणों में ही पानी में डूबकर मर जाएगी। कबूतर को दया आ गई। उसने चोंच से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर किनारे लग गया। पानी से बाहर आकर चींटी कबूतर की प्रशंसा करने लगी। उसी समय एक बहेलिया वहां आया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। कबूतर ने बहेलिये को देखा नहीं। बहेलिया अपना बांस कबूतर को फंसा लेने के लिए ऊपर बढ़ाने लगा। चींटी ने यह सब देखा तो पेड़ की ओर दौड़ी। वह बोल सकती तो अवश्य पुकार कर कबूतर को सावधान कर देती, किंतु बोल तो वह सकती नहीं थी। अपने प्राण बचाने वाले कबूतर की रक्षा करने का उसने विचार कर लिया था। पेड़ के नीचे पहुंचकर चींटी बहेलिये के पैर पर चढ़ गई और उसने उसकी जांघ में पूरे जोर से काट लिया। चींटी के काटने से बहेलिया चमक गया, उसका बांस हिल गया, उससे पेड़ के पत्ते खड़क गए और कबूतर सावधान होकर उड़ गया। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता का प्रबंध भगवान अवश्य कर देते हैं। अतिथि सत्कार। यह कथा पुराण में आई है। चिड़ियों को फंसा कर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिता देने का विचार से वह बैठ गया। उस दिन वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था। हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर थर कांपने लगा। जाड़े के मारे उसके दांत कट कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर अपनी कबूतरी से कहता, यदि भी यह हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी बढ़ेगा। यदि इसे ऐसे ही रहना पड़ा तो रात भर में यह जाड़े के मारे मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। घोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़ कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया ने आसपास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटाए। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने का और तो कोई तरीका नहीं है। मैं इस जलती आग में कूदती हूँ, जिससे मेरा मांस खाकर यह अपना पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूद कर अपना मांस इसे दूंगा। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहां बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाते हैं। किसान और सारस। एक किसान चिड़ियों से तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए बीज खाने लगते। किसान पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया। उसके बहुत से बीज चिड़ियों ने खा लिए। बेचारे को दोबारा खेत जोतकर दूसरे बीज डालने पड़े। इस बार किसान एक बहुत बड़ा जाल ले आया। उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया। बहुत से पक्षी खेत में बीज चुगने गए और जाल में फंस गए। एक सारस पक्षी भी उस जाल में फंस गया। जब किसान जाल में फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं ना मुर्गी हूँ, ना बगुला और ना बीज खाने वाला कोई और पक्षी। मैं तो सारस हूँ।
खेतों की हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को मैं खा जाता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। किसान क्रोध में भरा था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो, किंतु आज तुम उन्हीं चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो जो मेरे बीज खा जाया करती हैं। तुम भी उन्हीं के साथ हो। तुम इनके साथ आए हो तो इनके साथ दंड भी भोगो। जो जैसे लोगों के साथ रहता है वह वैसा ही समझा जाता है। बुरे लोगों के साथ रहने वालों को भी दंड और अपयश मिलता है। उपद्रवी चिड़ियों के साथ आने से सारस को भी बंधन में पड़ना पड़ा। सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे थे। अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आया। इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए था, पर बच्चे उड़ सकते नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा, फिर कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गए हैं। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन पीछे जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह झटपट छोड़ देना चाहिए, आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते, कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं, दो चार दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वह कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है, सब बहाना बनाते हैं, कल बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काटूंगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों इस बार खेत कट जाएगा, ये कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। उपकार का बदला। एक बार एक सिंह के पैर में मोटा बड़ा कांटा चुभ गया। सिंह ने दांत से बहुत नोचा किंतु कांटा निकला नहीं। वह लंगड़ाता हुआ एक गडरिये के पास पहुंचा। अपने पास सिंह को आते देख गडरिया बहुत डरा, लेकिन वह जानता था कि भागने से सिंह दो ही छलांग में उस पर चढ़ जाएगा। दूसरा कोई उपाय ना देखकर गडरिया वहीं चुपचाप बैठ गया। सिंह ना गरजा ना गुर्राया, वह गडेरिये के सामने आकर बैठ गया और अपना पैर उसने गडेरिये के आगे कर दिया। गडेरिये ने समझ लिया कि सिंह उसकी सहायता चाहता है। उसने सिंह के पैर से कांटा निकाल दिया। सिंह जैसे आया था वैसे ही जंगल की ओर चला गया। कुछ दिनों पीछे राजा के यहाँ चोरी हुई। कुछ लोगों ने शत्रुता के कारण झूठ मूठ यह बात राजा से कह दी कि गडेरिया चोर है, उसने राजा के यहाँ चोरी की है। गडेरिया पकड़ा गया। उसके घर में चोरी की कोई वस्तु नहीं निकली। राजा ने समझा कि इसने चोरी का सामान छिपा दिया है, इसलिए उन्होंने गडेरिये को जीवित सिंह के सामने छोड़ने की आज्ञा दे दी। संयोग से गडेरिये को मारने के लिए वही सिंह पकड़ा गया जिसके पैर का कांटा गडेरिये ने निकाला था। जब गडेरिया सिंह के सामने छोड़ा गया, सिंह ने उसे पहचान लिया। वह गडेरिये के पास आकर बैठ गया और कुत्ते के समान पूंछ हिलाने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर जब उन्हें उपकारी गडेरिये के साथ सिंह की कृतज्ञता का हाल ज्ञात हुआ तब उन्होंने गडेरिये को छोड़ दिया। सिंह जैसा भयानक पशु भी अपने पर उपकार करने वाले का उपकार नहीं भूलता। मनुष्य होकर जो किसी का उपकार भूल जाते हैं वे तो पशु से भी गए बीते हैं। बिल्ली और बंदर। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। वे आपस में मेल से रहती थी।
उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बांटकर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली, उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। एक कहती थी कि तुम्हारी रोटी का टुकड़ा बड़ा है और दूसरी कहती थी कि मेरा टुकड़ा बड़ा नहीं है। जब दोनों आपस में ठीक बंटवारा नहीं कर सकी तो एक बंदर के पास गई। उन्होंने बंदर को अपना पंच बनाया। बंदर ने एक तराजू मंगाया और रोटी के दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय जो टुकड़ा भारी हुआ उसमें से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। अब वह टुकड़ा छोटा हो गया और दूसरा टुकड़ा भारी होने लगा। बंदर ने उस टुकड़े में से थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस प्रकार बारी बारी से दोनों टुकड़ों में से थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़कर बार बार खाने लगा। जब रोटी का बहुत भाग बंदर ने खा लिया तो दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए। तब बिल्लियां घबराईं। उन्होंने बंदर से कहा, अब आप कष्ट ना करें, हम लोग आपस में ही बंटवारा कर लेंगी। बंदर बोला, मैंने इतना परिश्रम किया है, मुझे भी तो कुछ मजदूरी चाहिए। यह कहकर दोनों बचे टुकड़े उसने मुंह में भर लिए और हुप हुप करके बिल्लियों को डराकर भाग गया। दोनों बिल्लियां बहुत पछताई और कहने लगी, आपस की फूट बहुत बुरी है। कुत्ते की भूल। एक कुत्ते को पक्षियों के अंडे खा जाने का अभ्यास हो गया। वह खेत के मेड़ों और नदी के किनारे घूमा करता और टिटीहरी के अंडे देखते ही खा जाया करता था। नदी किनारे की रेत में वह कछुए के अंडे ढूंढा करता था। एक दिन रेत में पड़ा एक घोंघा कुत्ते ने देखा। उसे भी कोई अंडा समझकर वह झटपट निकल गया। घोंघे की सीप के टुकड़े कुत्ते के पेट में जाकर उसकी आंतों में चुभने लगे। वह दर्द के मारे छटपटाने लगा। अब वह रोता रोता कहने लगा, मुझे बड़ी भूल हुई। अब मैं समझा कि सब गोल वस्तुएं अंडा नहीं होती। जो ना समझ देखे बिना जाने कोई भी वस्तु मुंह में डाल लेता है उन्हें इसी प्रकार कष्ट होता है। इसलिए जब तक यह ना जान लो कि वस्तु खाने योग्य है या नहीं, उसे मुख में मत डालो। सच्चे हिरण। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका था और कई दिन का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने अवश्य आएंगे, यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़कर वह बैठ गया। एक हिरणी थोड़ी देर में तालाब में पानी पीने आई। शिकारी ने हिरणी को मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने शिकारी को बाण चलाते देख लिया। वह बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे, तुम मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरणी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरणी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी। लेकिन उसने सोचा, जब ये इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरणी को चले जाने दिया। थोड़ी देर में वहां बड़ी सींगों वाला सुंदर काला हिरण पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरण ने देख लिया और बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरणी और बच्चों से अलग हुए मुझे देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। शिकारी बहुत झल्लाया, उसे बहुत भूख लगी थी। लेकिन हिरण को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज और भूखा रहूंगा। हिरणी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरणी को सब बातें बताकर उसने अपने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वहां वह हिरण भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरण और हिरणी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरण ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ पर से नीचे उतर आया और बोला, देखो, ये हिरण पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और चार पैसे कमाने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब से मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय वहां स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा करने वाले कारण निष्पात हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों पर दया की,
इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरण हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। मिथ्या गर्व का परिणाम। समुद्र तट के किसी नगर में एक धनवान वैश्य के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। वे उस कौवे को बराबर अपने भोजन से बचा अन्न देते थे। उनकी जूठन खाने वाला वह कौवा स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर भोजन खाकर खूब मोटा हो गया था। इससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने और उनका अपमान करने लगा। एक दिन समुद्र तट पर कहीं से उड़ते हुए आकर कुछ हंस उतरे। वैश्य के पुत्र उन हंसों की प्रशंसा कर रहे थे। यह बात कौवे से सही नहीं गई। वह उन हंसों के पास गया और उसे उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हुआ उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूँ। हंसों ने उसे समझाया, भैया हम तो दूर दूर उड़ने वाले हैं। हमारा निवास मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ प्रतियोगिता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने गर्व में आकर कहा, मैं उड़ने की 100 गतियां जानता हूँ और प्रत्येक से 100 योजना तक उड़ सकता हूँ। उडीन, अवडीन, प्रडीन, डीन आदि अनेकों गतियों के नाम गिनाकर वह बकवाती कौवा बोला, बतलाओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? तब श्रेष्ठ हंस ने कहा, काक तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं तो एक गति जानता हूँ जिसे सब पक्षी जानते हैं। मैं उसी गति से उड़ूंगा। गर्वित कौवे का गर्व और बढ़ गया। वह बोला, अच्छी बात, तुम जानते हो उसी से उड़ो। उस समय कुछ पक्षी वहां और सो गए थे। उनके सामने ही हंस और दोनों समुद्र की ओर उड़े। समुद्र के ऊपर आकाश में वह कौवा नाना प्रकार की कलाबाजियां दिखाता पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से उड़ रहा था। यह देखकर दूसरे कौवे प्रसन्नता प्रकट करने लगे। थोड़ी देर में ही कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए इधर उधर वृक्ष युक्त द्वीपों की खोज करने लगा, परंतु उसे उस अनंत सागर के अतिरिक्त कुछ दिख नहीं पड़ता था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया था। कौवे की गति मंद हो गई। वह अत्यंत थक गया और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की दशा में पहुंच गया। हंस ने देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है, तो वह रुक गया। उसने कौवे के समीप आकर पूछा, काक तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं, यह तुम्हारी कौन सी गति है? हंस की व्यंग भरी सुनकर कौवा बड़ी दीनता से बोला, हंस हम कौवे केवल कांव कांव करना जानते हैं, हमें भला दूर तक उड़ना क्या आए? मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया है, कृपा करके अब मेरे प्राण बचा लो। जल से भीगे अचेत और अधमरे कौवे पर हंस को दया आ गई। पैरों से उसे उठाकर हंस ने पीठ पर रख लिया और उसे लादे हुए उड़कर वहां आया जहां से दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उसके स्थान पर छोड़ दिया। बंधन। एक कुम्हार के पास कई गधे थे। रोज सुबह जब वह गधों को मिट्टी लाने के लिए ले जाता तो एक जगह कुछ देर के लिए आराम करता था। वह सब गधों को पेड़ से बांध देता और खुद भी एक पेड़ के नीचे लेट जाता। एक दिन जब वह मिट्टी लेने जा रहा था तो गधों को बांधने वाली रस्सी छोटी पड़ गई। विश्राम स्थल पर उसने सभी गधे बांध दिए, लेकिन एक गधा रह गया। वह उसका कान पकड़कर बैठ गया। अब ना कुम्हार आराम कर पा रहा था, ना ही गधे को चैन मिल रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसे जब कुम्हार की समस्या का पता चला तो वह बोला, गधे को जहाँ रोज बांधते हो वहीं ले जाकर झूठ मूठ ही बांधने का उपक्रम करो, गधा कहीं नहीं जाएगा। कुम्हार ने ऐसा ही किया। गधा सचमुच अपनी जगह स्थिर हो गया। कुछ देर आराम करने के बाद कुम्हार ने सभी गधों को खोल दिया और चलने लगा। लेकिन जिस गधे को बांधा ही नहीं था वह अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। कुम्हार ने काफी प्रयास किया, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। संयोगवश वही साधु उसी रास्ते से वापस आ रहा था। उसे रोककर कुम्हार ने कहा, मुनिवर यह गधा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, क्या यह वही गधा है जिसे झूठ मूठ का बांधा था? साधु ने पूछा। जी मुनिवर। मूर्ख प्राणी, अब इस गधे को खोलो भी तो, साधु ने कहा। पर मुनिवर यह तो खुला ही हुआ है। नहीं, यह गधा वैसे ही बंधा हुआ है जैसे तूने इसे बांधने का उपक्रम किया था, वैसा ही झूठा उपक्रम इसे खोलने का कर, साधु ने कहा। कुम्हार ने वैसा ही किया, गधा चल पड़ा। कुम्हार समझ गया कि गधा वास्तव में मन से तो बंधा ही हुआ था, और जब तक उसे खोला ना जाता तो वह अपनी जगह से हिलता कैसे। कथा सार। एक ही कार्य या उपक्रम को नित्य करते करते वैसा ही करते रहने का अभ्यास हो जाता है। आपको यदि किसी नियत समय पर सवेरे उठने की आदत है तो नित्य उसी समय आँख खुल जाती है। ऐसे ही गधे के साथ भी हुआ। उसे रोज बांधे जाने की आदत थी,
झूठ मूठ बांधने पर भी उसने खुद को बंधा हुआ ही समझा और झूठ मूठ खोलने पर ही आगे बढ़ने को राजी हुआ। सुनहरा हंस। एक राजा बेहद विलासी स्वभाव का था। उसे ना प्रजा के सुख दुख की चिंता थी और ना राजकाज की। उसका सारा दिन अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने करवाने में ही बीत जाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। काफी देर तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब वे थक गया तो उसने अपना घोड़ा एक झील के पास रोक लिया और घोड़े से उतरकर खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। तभी उसकी नजर झील में तैरते एक सुनहरे हंस पर पड़ी। सुनहरा हंस देखकर राजा के मन में उसके प्रति जिज्ञासा जाग उठी। वह उसे पकड़ने के लिए झील में उतर गया, लेकिन वह उसकी पकड़ में नहीं आया और अदृश्य हो गया। राजा ने इधर उधर खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, राजन, मैं स्वर्ग लोक का सुनहरा हंस हूँ। यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक में आना पड़ेगा। लेकिन मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? राजा ने पूछा। सच्चाई के मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो, स्वर्ग का दूत स्वयं खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे क्या क्या करना होगा? राजा ने पुनः पूछा। राजन, प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्ग बनवाओ, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, प्रजा की सेवा करो। राजा महल में लौट आया और अगले दिन से ही उसने सभी कार्य शुरू करवा दिए। कार्य पूरे हो जाने पर भी जब स्वर्ग का दूत नहीं आया तो राजा चिंतित हुआ। वह सोचने लगा उससे कहां कमी रह गई। काफी सोच विचार करने के बाद उसे ध्यान आया कि उससे कहा गया था प्रजा की सेवा करो। राजा प्रजा की सेवा करने के लिए नगर में निकल पड़ा। राजा ने बहुत से लोगों से पूछा कि उन्हें कोई काम हो तो बताएं, पर किसी ने भी राजा से सेवा नहीं ली। समझ गया कि प्रजा उसके राजा होने के कारण डर रही है, इसलिए उसे कुछ नहीं कह रही। अगले दिन वह साधारण आदमी का भेष बनाकर प्रजा की सेवा करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, बाबा जी, आपको चलने में कष्ट हो रहा है, आप मेरे कंधे पर बैठें, आपको जहां जाना है मैं पहुंचा देता हूं। वृद्ध नाराज होते हुए बोला, एक और सेवक आ गया। आजकल हमारे महाराज भी लोगों से सेवा पूछते फिर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि प्रजा का सही पालन पोषण ही सच्ची सेवा होती है। तू जा, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। वृद्ध की बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गया। उस दिन के बाद उसने प्रजा पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दिया। कथा सार। प्रजा के मन में राजा के प्रति एक विशेष प्रकार का सम्मान होता है और एक अनदेखा अनजाना भय भी। प्रजा उसे अपना संरक्षक समझती है तो राजदंड से भयभीत भी रहती है। संपूर्ण प्रजा का उचित पालन पोषण करना ही सच्चा राजधर्म है। किसी व्यक्ति विशेष के कष्टों से राजा का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सभी से समान व्यवहार रखना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। द्वापर नगर में द्रोण नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को भिक्षा अच्छी मिल जाती तो उसका सारा परिवार भरपेट भोजन करता और कम या कुछ ना मिलने पर भूखे पेट सोना पड़ता। उसने या उसके परिजनों ने ना कभी अच्छे वस्त्र पहने थे और ना कभी बढ़िया भोजन किया था। निर्धनता के कारण वह मैला कुचला ही रहता था। उसके सर और दाढ़ी के बाल ही नहीं बल्कि हाथ पांव के नाखून भी बड़े रहते थे। ब्राह्मण की इस दशा पर तरस खाकर एक यजमान ने उसे दो हष्ट पुष्ट बछड़े दान में दे दिए। ब्राह्मण उन बछड़ों को पाकर फूला नहीं समाया। जब वह उन्हें लेकर घर आया तो उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने स्वयं भूखा रहकर उन बछड़ों को खूब खिलाया पिलाया और दोनों की ऐसी सेवा की कि वे जवान बैल से दिखने लगे। दरिद्र ब्राह्मण के घर दो हट्टे कट्टे बैल देखकर सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, स्वयं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है, इन हट्टे कट्टे बैलों को कहां से खिलाएगा। जितने मुंह उतनी ही बातें। एक दिन यह बात एक चोर के कानों में भी पड़ी। उसने उन दोनों बैलों को चुराने का निश्चय कर एक योजना बना ली और अपने घर जा पहुंचा। वहां से एक मोटा सा रस्सा और डंडा आदि लेकर चल दिया। वह सोच रहा था, बैल काफी हट्टे कट्टे और जवान हैं, उनको बेचने पर काफी धन मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करूंगा तथा नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो लोग मेरा आदर करने लगेंगे। ब्राह्मण तू मूर्ख है, अगर बुद्धिमान होता तो इन बैलों को बेचकर अपनी दरिद्रता दूर ना कर लेता। इसी तरह सोचते सोचते चोर एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा। वहां उसे एक अत्यंत भयंकर आकृति वाला प्राणी मिला। चोर उसे देखते ही डर गया, परंतु किसी तरह उसने साहस जुटाकर विचित्र प्राणी से उसका परिचय पूछा तो वह बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। भूखे हो?
चोर उस भयानक आकृति वाले प्राणी से अत्यधिक भयभीत हो गया। कहां जा रहे हो और किसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? अंतिम शब्द बोलते वक्त चोर ने हाथ में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह सोचकर कि अगर इस राक्षस ने उस पर हमला किया तो वह उस पर प्रहार कर देगा। मैं दरिद्र ब्राह्मण द्रोण को खाने जा रहा हूँ, राक्षस के शब्दों ने चोर के मन का भय दूर किया। मैं एक चोर हूँ और मैं उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूँ। फिर चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों दुष्ट मित्र भाव से एक साथ चल दिए। फिर कुछ ही देर बाद दबे पांव ब्राह्मण के घर में जा घुसे और उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने के बाद ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए लपका तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बैल ले जाने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे खाने से पहले ही यह जग गया तो मेरा चोरी का अभियान असफल हो जाएगा और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर बैलों को जब तुम चराने लगोगे तो हो सकता है वे हुंकारने लगे और ब्राह्मण जाग जाए, ऐसी अवस्था में मुझे भूखे मरना पड़ेगा, ब्रह्म राक्षस ने चोर का विरोध करते हुए कहा। इस प्रकार वे दोनों पहले मैं करते हुए आपस में उलझ गए और उनकी आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण के जागते ही सबसे पहले चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाने आया है, इसलिए मैं डंडा लेकर इसे भगाने आया हूँ। यह झूठ बोलता है, यह चोर है और तुम्हारे बैल चुराने आया है, ब्रह्म राक्षस ने कहा। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण अपनी जान बचाने की खातिर अपने इष्ट देव को याद कर मंत्रों का जाप करने लगा। उसके मंत्रोच्चारण करने से ब्रह्म राक्षस भाग खड़ा हुआ। राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने पास ही रखी लाठी उठाई और चोर की पिटाई करने लगा। चोर भी अपना रस्सा और डंडा लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया। कथा सार। कभी कभी शत्रु भी हितकारी सिद्ध होते हैं। चोर और राक्षस ने स्वयं एक दूसरे का उद्देश्य बताकर ब्राह्मण को सावधान कर दिया। फलतः ना चोर को कुछ मिला ना ही राक्षस को, जबकि दोनों का उद्देश्य समान था। गाय का मालिक कौन? एक किसान था, धर्मपाल। उसके पास एक दुधारू गाय भी थी जो सुबह शाम दूध देती थी। धर्मपाल उस गाय का दूध बेचकर काफी धनी भी हो गया था। एक बार गाय बीमार पड़ गई और उसने दूध देना छोड़ दिया। धर्मपाल ने सोचा कि गाय अब स्वस्थ तो हो नहीं सकती, इसलिए वह उसे जंगल में छोड़ आया। लेकिन गाय अपने स्वभाववश धर्मपाल के पास वापस लौट आई। उसने पुनः लाठी मार मार कर उसे भगा दिया। गाय भटकती हुई पड़ोस के गांव में एक अन्य किसान माधव के खेत में जाकर बेहोश हो गई। जब माधव की नजर उस गाय पर पड़ी तो उसने उसे पानी पिलाया। गाय को कुछ होश आया तो वह उसे अपने घर ले आया और उसकी चिकित्सा कराई। अल्प समय में ही गाय स्वस्थ हो गई। माधव ने गाय के मालिक का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गाय पर अपना हक जताने नहीं आया। कुछ ही दिन में माधव की सेवा टहल के कारण गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। गाय ने एक बछड़े को भी जन्म दिया। वह फिर से सुबह शाम दूध देने लगी। माधव भी दूध बेचकर अच्छी खासी आमदनी करने लगा। माधव गाय का पूरा ख्याल रखता और उसको भरपूर चारा देता। धीरे धीरे माधव की गाय की चर्चा चारों ओर फैल गई। उस गाय के पूर्व मालिक धर्मपाल के कानों में भी यह चर्चा पड़ी। उसने माधव के घर आकर गाय को पहचान लिया और माधव से अपनी गाय मांगी। माधव गाय देने से इनकार करते हुए बोला, जब यह गाय बीमार थी तब कहाँ थे, अब स्वस्थ हो गई तो इसके मालिक बनकर चले आए। धर्मपाल ने पंचायत में माधव के खिलाफ शिकायत कर दी। पंचायत बैठी। माधव और धर्मपाल ने अपने अपने तर्क रखे। पंच भी सोच में पड़ गई कि फैसला किसके पक्ष में दे। तब एक बुजुर्ग पंच ने कहा, गाय स्वयं फैसला करेगी। उन्होंने गाय को बीच में खड़ा कर दिया। उसके एक तरफ माधव खड़ा हो गया और दूसरी तरफ धर्मपाल। जब गाय को छोड़ा गया तो वह माधव के पास चली गई और उसका हाथ चाटने लगी। पंचों ने कहा, फैसला हो गया, गाय माधव की है। कथासार। सदव्यवहार सभी को अपना बनाने की सामर्थ्य रखता है। जानवर तक व्यवहार के अनुसार आचरण करने लगते हैं। उन्हें भी भले बुरे की समझ होती है। कुत्ते को प्रेम से पुचकारो तो वह पूंछ हिलाता है, जबकि लात मारने पर गुर्राता है। फिर गाय ने धर्मपाल और माधव के व्यवहार में अंतर पहचान लिया तो इसमें आश्चर्य कैसा। मूर्ख बिल्लियां। सड़क पर एक रोटी पड़ी हुई थी। तभी एक बिल्ली की नजर उस रोटी पर पड़ी। लेकिन जब तक वह उस रोटी तक पहुंचती कि एक दूसरी बिल्ली ने उस पर झपटा मारा। दोनों बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। काफी देर तक लड़ने के बाद एक बिल्ली ने सुझाव देते हुए कहा, हम इस रोटी को आधा आधा बांट लेते हैं। मैं इसके दो टुकड़े कर देती हूँ, एक तुम ले लेना एक मैं। तुम क्यों इसके दो टुकड़े करोगी? बड़ा टुकड़ा अपने पास रखने के लिए,
मैं करूंगी इसके दो टुकड़े, क्या तुम बेईमानी नहीं करोगी? इस तरह एक बार दोनों में फिर झगड़ा बढ़ गया। इतने में वहां एक बंदर आया। बंदर को देखकर दोनों बिल्लियों ने उसी से रोटी के दो बराबर टुकड़े करने को कहा। बंदर बड़ा चालाक था, उसने रोटी के दो टुकड़े किए और दोनों हाथों में रखकर उनकी बराबरी देखने लगा। उसे एक टुकड़ा कुछ बड़ा लगा, उसने उसमें से थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस बार बंदर को दूसरा टुकड़ा बड़ा लगा और उसने उसमें से थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने पूरी रोटी चट कर ली और दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। कथासार, छोटे मोटे विवादों को आपस में मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए। बिल्लियों ने बंदर को मध्यस्थ बनाया तो वह चतुर उन्हें ही गच्चा दे गया। आधे के चक्कर में पूरे से भी हाथ धोना पड़ा। ध्यान रहे, दो मूर्खों की लड़ाई में फायदा तीसरे का ही होता है। कौवे की समझदारी। एक पेड़ की शाख पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी बिल बना रखा था। मादा कौवा जब अंडे देती तो वह सांप उस अंडों को खा जाता। ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन वह सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर पाती। एक दिन कौवे ने तय कर लिया कि वह सांप को अवश्य ही मजा चखाएगा। वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन कौवा राजमहल के ऊपर से उड़ रहा था। वहां उसने राजकुमारी को अपनी सखियों के साथ देखा। राजकुमारी के गले में एक बेहद कीमती हार देखकर कौवे को एक तरकीब सूझी। वह एक दो दिन तक महल के आसपास ही मंडराता रहा। कुछ दिन बाद कौवे को मौका मिला। उसने उस राजकुमारी का कीमती हार अपनी चोंच में दबा लिया और उड़ चला। राजकुमारी ने शोर मचा दिया। पहरेदार तुरंत हरकत में आ गए। वे उस कौवे के पीछे पीछे दौड़े। कौवा उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास पहुंचा और उसने वह हार उस सांप के बिल में डाल दिया। पहरेदारों ने भी यह सब देखा। पहरेदार तुरंत सांप के बिल के पास पहुंचे तो उनकी नजर सांप पर पड़ी, जो फन फैलाए बिल से बाहर निकल आया था। पहरेदारों को तो वह हार हर हाल में चाहिए था, अतः उन्होंने सांप को भाले से मार डाला और हार लेकर चले गए। इस प्रकार कौवे को अपने दुश्मन से छुटकारा मिल गया। कथासार, शत्रु को परास्त करने के लिए छल बल से काम लेना चाहिए, लेकिन जब शत्रु शक्तिशाली हो तो इनसे काम नहीं चलता। तब जिसके पास बुद्धि बल अधिक होता है वही विजयी होता है। कौवे ने भी ऐसा ही किया, अतः विपत्ति पड़ने पर भी होश नहीं गंवाने चाहिए। संतोषी सदा सुखी। किसी नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण परिवार सहित निवास करता था। वह मन लगाकर अपने खेत में काम करता, परंतु फिर भी उसे पर्याप्त आय नहीं होती थी। उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा था। एक दिन ब्राह्मण अपना कार्य समाप्त करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि उसने समीप के रेत के टीले पर एक भयंकर सर्प को फन फैलाए बैठा देखा। ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरे क्षेत्र का देवता है, इसकी पूजा ना करने के कारण ही मेरा परिश्रम सफल नहीं हो पा रहा है। अतः उसकी पूजा अर्चना करने का निश्चय कर ब्राह्मण सीधा घर गया और एक पात्र में दूध भरकर ले आया। पात्र को सर्प देवता के सामने रखकर बोला, देवाधिपति देव, आज तक मैंने आपको स्मरण करके पूजा अर्चना नहीं की, मेरे अपराध को क्षमा करें और थोड़ा सा दूध स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कुछ देर तक अनन्य विनय करने के उपरांत वह ब्राह्मण घर से लाए दूध से भरे बर्तन को वहीं रखकर चला गया। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण बर्तन उठाने गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बर्तन उसी जगह रखा हुआ था और उसमें दूध की जगह एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी। अब ब्राह्मण का यह कर्म प्रतिदिन चलने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह धनवान हो गया। एक दिन संयोगवश ब्राह्मण को कार्यवश किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, मैं किसी कार्य से दूसरे नगर जा रहा हूँ। सर्प देवता की आराधना में कोई बाधा ना आए, इसलिए तुम हर रोज शाम को एक बर्तन में दूध भरकर रेत के टीले के पास रखाना और प्रातःकाल जाकर उसे उठा लेना। उसमें तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। यही सर्प देवता का हमारे लिए प्रसाद है। पिता के आदेश अनुसार सायंकाल होते ही ब्राह्मण का पुत्र दूध से भरा बर्तन रेत के टीले के सामने रखाया। प्रातः होते ही जब वह उसे उठाने गया तो उसे उसमें स्वर्ण मुद्रा मिली। लालच के वशीभूत होकर ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि इस रेत के टीले में अवश्य ही स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं और यह सर्प दूध से भरा बर्तन खाली करने के बाद एक मुद्रा उस खजाने में से लाकर इस खाली बर्तन में डाल देता है। अतः क्यों न रोज रोज के इस झंझट से बचने के लिए इस सर्प को मारकर सभी मुद्राएं एक साथ प्राप्त कर लूं। यह कुविचार मन में आते ही ब्राह्मण के लड़के ने घर से एक मोटा डंडा लाकर जैसे ही सर्प को मारना चाहा, वैसे ही पलटकर सांप ने लड़के को डस लिया, जिससे वह तत्काल निष्प्राण हो गया। ब्राह्मण ने घर लौटने पर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी होकर विलाप करने लगा।
लेकिन जब उसे पुत्र की मृत्यु का कारण पता चला तो दुखी मन से बोला, मृत्यु का कोई दोष नहीं, मेरे पुत्र ने स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित किया था। अगले दिन शाम को दूध से भरा बर्तन लेकर ब्राह्मण उस रेत के टीले के पास गया और सर्पदेव की स्तुति करने लगा, लेकिन सर्प अपने बिल से बाहर नहीं निकला। हे सर्पदेव, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? अपने बिल से बाहर आकर देखिए, मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, ब्राह्मण ने कहा। सर्प बाहर आए बिना बिल से ही बोला, ब्राह्मण महाराज, पुत्र शोक भूलकर तुम लोभवश मेरे पास आए अवश्य हो, परंतु अब तुम्हारी और मेरी मित्रता नहीं निभ सकती। तुम्हारे पुत्र ने लोभवश मेरी हत्या करनी चाही और मैंने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे डस लिया। अब ना तो तुम पुत्र शोक को भूल सकते हो और ना ही मैं तुम्हारे पुत्र की लाठी के प्रहार को भूल सकता हूँ। फिर तुम ब्राह्मण होने के साथ साथ इंसान भी हो, और कहा भी गया है कि सांप काटे का उपचार है लेकिन इंसान के काटे का कोई उपचार नहीं, इसलिए अब तुम जाओ, आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता समाप्त हुई, कहकर सर्प मौन हो गया। सर्प के कथन को सुनकर ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु का शोक और उसकी मूर्खता पर पश्चाताप करता हुआ अपने घर लौट आया। कथासार, स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु तो हुई है, सर्प और ब्राह्मण की मित्रता व विश्वास भी खंडित हो गए। लोभ लालच व्यक्ति के होशोहवास के साथ साथ उसका विवेक भी छीन लेता है। जो मिल रहा है उसे पाकर ही संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। सोने का अंडा। एक निर्धन किसान को कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वह उस मुर्गी को घर ले आया। उसने यह सोचकर कि आज काफी दिन बाद बढ़िया खाने को मिलेगा, उसे काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वह उस मुर्गी को काटने के लिए बढ़ा कि मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। किसान बोला, क्यों ना मारूं? काफी दिन हो गए हैं मुर्गी खाए, मैं तो तुम्हें जरूर काटूंगा। मुर्गी बोली, मुझे काट कर तुम्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं सोने का एक अंडा रोज देती हूँ। मुझे जीवित रखो और रोज सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ, इससे तुम्हारी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, किसान ने कहा। सुबह तक आजमा लो, अगर बात झूठ निकली तो मुझे मार डालना, मुर्गी ने कहा। किसान राजी हो गया। सुबह हुई, सचमुच उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। किसान खुश हो गया, अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। कुछ ही दिनों में वह किसान मालामाल हो गया। एक दिन किसान के मन में लालच ने सर उठाया। उसने सोचा कि कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करता फिरे, मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता हूँ। लालच में फंसे इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसान के साथ भी यही हुआ। ढेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और वह मर गई। लालच में पड़कर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठा। कथासार, धैर्य का फल सदैव अच्छा ही होता है और अधीरता बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती है। यदि किसान धैर्य रखता तो रोज सोने का एक अंडा पाता, परंतु एक साथ ढेर सारे सोने के अंडों के उसके लोभ व अधीरता ने उस मुर्गी को ही मार डाला जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। भाग्य की प्रबलता। कांतिनगर के राजा देवशक्ति के शासन में प्रजा काफी खुशहाल और संपन्न थी, लेकिन राजा काफी दुखी था क्योंकि उसके नन्हे और मासूम बेटे के पेट में ना जाने कैसे एक सांप का बच्चा चला गया था। उस सांप के बच्चे को निकालने के लिए राजा ने बहुत से वैद्यों और चिकित्सकों से उपचार कराया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। राजा देवशक्ति का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे पेट में सांप की उपस्थिति उसे अधिक व्याकुल करने लगी। उससे अपने माता पिता का दुख सहन नहीं होता था, इसलिए उसने सोचा कि जब तक वह उनकी आंखों के सामने रहेगा वह दुखी ही रहेंगे। अतः एक दिन मौका पाकर राजकुमार ने राजमहल छोड़ दिया और रातों रात किसी दूसरे देश में चला गया। वहाँ एक मंदिर के बाहर अपना रहने का ठिकाना बनाकर वह भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगा। राजकुमार ने जिस देश में अपना डेरा डाला था उस देश के राजा की फूल समान दो सुंदर कन्याएं थी, लेकिन उन दोनों कन्याओं का स्वभाव भिन्न था। बड़ी बेटी यह मानती थी कि वह अपने पिता की कृपा से सुख भोग रही है। स्वयं राजा का भी यह मानना था कि उसकी पुत्रियां ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा उसी की कृपा पर आश्रित है। राजा अपनी बड़ी बेटी से काफी प्रसन्न रहता था। कुछ समय बाद राजा ने उसका विवाह एक राजकुमार के साथ कर दिया। राजा की छोटी बेटी कामिनी का व्यवहार और सोच अपनी बड़ी बहन से काफी भिन्न था। उसका मानना था कि वह अपने पिता की कृपा से सुख नहीं भोग रही बल्कि उसका भाग्य व कर्म इसका कारण है। कामिनी के इस व्यवहार से राजा काफी रुष्ट था।
अतः उसे दंडित करने की मंशा से उसने उसका विवाह नगर के बाहर मंदिर के पास रहने वाले भिक्षुक से कर दिया। राजकुमारी ने भिक्षुक को अपना कर्म फल मानते हुए उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के कुछ दिन पश्चात राजकुमारी ने अपने पति के साथ किसी अन्य राज्य में जाकर रहने और वहां पति को किसी काम पर लगाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन प्रातःकाल कामिनी अपने पति के साथ किसी अन्य नगर की ओर चल दी। यात्रा करते करते दोपहर हो गई तो दोनों एक नदी के तट पर स्थित बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद कामिनी ने कहा, आप यहीं विश्राम करें, मैं कुछ भोजन पानी का प्रबंध करके लाती हूँ। काफी देर तक यात्रा करते रहने के कारण राजकुमार थक गया था, इसलिए वह लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। जब कामिनी लौटकर आई तो सामने देख उसकी आंखें आश्चर्य की अधिकता से फटती चली गई। भिक्षुक सो रहा था और इसके मुंह के भीतर से सर्प हवा खाने के लिए अपना मुंह बाहर निकाले हुए था। समीप ही रेत का टीला था, उसके पास ही बिल बनाकर रहने वाला सर्प भी हवा खाने निकला हुआ था। भिक्षुक बने राजकुमार के मुंह से झांकते सर्प से कहा, तुमने एक मानव के पेट में घुसकर उसका जीवन नर्क क्यों बना रखा है? तुमने राजकोष को गंदा क्यों कर रखा है? पेट वाले सांप ने क्रोधित हो बिल वाले सांप से कहा, शायद किसी को यह बात मालूम नहीं है कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गर्म जल के साथ पी लेने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, बिल वाले सांप ने अत्यधिक क्रोध में कहा। और शायद किसी को यह भी मालूम नहीं है कि गर्म और खौलते तेल को तुम्हारे बिल में डालने से तुम भी मर सकते हो, पेट वाला सांप क्रोधवश फुंफकार बोला। दोनों सर्पों का वार्तालाप सुनने के बाद राजकुमारी उन दोनों की मृत्यु का गुप्त रहस्य जान गई और उन्हीं के बताए उपायों से दोनों सर्पों को मार डाला। इससे उसका पति स्वस्थ हो गया और दूसरी ओर राजकोष भी प्राप्त हो गया। कथासार: एक दूसरे के गुप्त रहस्य को उजागर करने से दोनों ही पक्षों की हानि होती है। जैसे बातों ही बातों में दोनों सर्प क्रोध में आ गए और अपने मृत्यु का रहस्य खोल बैठे। वे भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। भाग्य और परिश्रम से इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जादुई देग का रहस्य। एक किसान को अपने खेत में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा देग, बड़ा पतीला मिला। वह देग इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 500 लोगों के लिए चावल पकाए जा सकते थे। किसान के लिए वह देग बेकार ही था। उसने वह देग एक तरफ रख दिया और पुनः खुदाई में जुट गया। कुछ देर बाद किसान आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना फावड़ा उस देग में डाल दिया और लेट गया। आराम करने के बाद जब उसने देग से फावड़ा निकालना चाहा, तो उसमें से एक एक कर 100 फावड़े निकले। किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। उसके पास एक सेब था। उसने वह सेब उस देग में डाला। निकालने पर उसमें से 100 सेब निकले। किसान समझ गया कि यह देग जादू का है, इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह 100 गुना होकर बाहर आएगा। किसान खुश हो गया। वह उस देग को अपने घर ले आया और अपनी जरूरतों को उस देग से ही पूरा करने लगा। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार को इस जादुई देग के बारे में पता चला। उसने किसान से देग छीन लिया और कहा कि जमींदार होने के नाते इस देग पर उसका हक है। जमींदार ने अपनी कई चीजों को उस देग में डालकर 100 गुना कर लिया। उड़ते उड़ते इस बात की चर्चा राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपना हक जताकर देग अपने कब्जे में कर लिया। राजा ने अपनी कई चीजों को उस देग के सहारे 100 गुना कर लिया। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना इस देग की माया को जानने के लिए देग के अंदर जाकर देखा जाए, और राजा स्वयं देग में चला गया। वह देग उसे अंदर से साधारण देग की तरह ही दिखा, लेकिन जब राजा बाहर आया वहां 100 राजा खड़े थे। सभी राजा सिंहासन पर अपना अपना हक जताने लगे, लेकिन सिंहासन तो एक ही था, अतः सभी 100 राजाओं में युद्ध छिड़ गया। सभी ने एक दूसरे को मार डाला, कोई भी जीवित नहीं बचा। वह जादुई देग अब भी एक कोने में यूं ही पड़ा था। कथासार: जादुई देग का पहले किसान ने और फिर जमींदार ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। इसके पीछे दोनों के मन में छिपा लालच था। राजा ने भी कई चीजें देग में डालकर 100 गुना कर ली, लेकिन उत्कंठावश यह जानते हुए भी कि एक की 100 हो जाती हैं, स्वयं देग में घुस गया और स्वयं अपने प्राणों का ग्राहक बन बैठा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आगे पीछे अवश्य सोच लेना चाहिए। आंखों वाला अंधा। चित्रनगर में वीरवर नामक एक रथकार रहता था। वह सीधा सादा और व्यवहार कुशल था। वह जितना भोला था उसकी पत्नी
कामद मनी उतनी ही दुष्ट और चरित्रहीन थी। उसकी दुष्टता के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। वीरवर पत्नी के दुराचरण से बहुत दुखी था। वीरवर की पत्नी कामदमनी कभी भी रंगे हाथों पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में सफल हो जाती थी। आखिरकार वीरवर ने काफी सोच विचार करने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे पास के ही गांव में एक सप्ताह के लिए काम मिला है, अतः मेरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तैयार कर दो। स्वामी, तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? अपने अंतर मन की खुशी को छिपाते हुए कामदमनी ने पति से अलगाव का दुख दर्शाने का अभिनय किया और लंबे समय तक खराब ना होने वाली खाने की चीजें तैयार करने में जुट गई। अगले दिन प्रातःकाल वीरवर के प्रस्थान करते ही उसने अपने प्रेमी देवदत्त को खबर भिजवा दी कि वह शाम होते ही घर पर आ जाए। उधर रथकार वीरवर ने सारा दिन वन में इधर उधर भटकते हुए गुजार दिया और शाम होते ही पिछले द्वार से घर में घुस गया और पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। देवदत्त के आते ही कामदमनी का चेहरा खिल उठा, उसे पलंग पर बैठाया और स्वयं दरवाजा अंदर से बंद करने चली गई। सांकल बंद करके जैसे ही वह पलंग पर अपने प्रेमी के पास बैठने लगी कि उसका पांव नीचे छिपकर बैठे वीरवर से जा टकराया। धूर्त कामदमनी को भनक लग गई और वह एकदम संभल गई। उसका प्रेमी जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, धूर्त कामदमनी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझ पतिव्रत स्त्री के शरीर को छूने का दुस्साहस ना करना, अन्यथा अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं अभी तुझको भस्म कर दूंगी। दुष्ट, यदि तू सती सावित्री है तो मुझे क्यों बुलाया था? देवदत्त बिगड़ कर बोला, यह सच है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, इसकी वजह भी बताती हूँ। आज प्रातःकाल जब मैं देवी दर्शन के लिए मंदिर में गई तो लौटते वक्त मैंने देवी की यह वाणी सुनी, पुत्री तुम मेरी भक्त और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें वक्त से पहले ही बता रही हूँ कि तुम्हारे पति की आयु मात्र 6 माह शेष रह गई है, इसके बाद तुम्हारे भाग्य में विधवा हो जाने का योग है। यह सुनते ही मैं विलाप करने लगी। देवी ने मुझे शांत बना दी, लेकिन मेरा विलाप नहीं थमा। मैंने रोते रोते देवी माँ से पूछा, माँ क्या मेरे पति के प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं है? देवी माँ मेरा रुदन देख द्रवित होकर बोली, पुत्री उपाय तो है, परंतु तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम सती साध्वी हो, अतः मैं तुमसे पर पुरुष का आलिंगन करने की बात कैसे कह सकती हूँ? यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे पति पर आया संकट उस पुरुष पर चला जाएगा। पति को दुख ना पहुंचे इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया, स्वयं अंदर ही अंदर घुलती रही। मैं यह सोचकर परेशान थी कि पर पुरुष का आलिंगन कैसे करूं, अपने पति व्रत धर्म की रक्षा कैसे करूं, परंतु मेरे लिए अपने पति का जीवन सर्वाधिक मूल्यवान है, अतः उनकी आयु बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारा केवल एक बार आलिंगन करने को सहमत हुई हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने का अभिनय करने लगी। पलंग के नीचे छिपकर बैठा मूर्ख रथकार वीरवर अपने दुष्ट पत्नी के कथन पर विश्वास करके पलंग के नीचे से बाहर निकल आया और उससे बार बार क्षमा याचना करने लगा। उसने कृतज्ञतावश अपनी पत्नी को उठाकर अपने एक कंधे पर बैठा लिया और उसके प्रेमी देवदत्त को भी अपना जीवन दाता मानकर उसे अपने दूसरे कंधे पर बैठा लिया। मूर्ख रथकार उन दोनों को कंधे पर उठाए इधर उधर घूमता और नाचता रहा। कथासार, पाप को प्रत्यक्ष रूप में देखकर भी उसे झूठे समाधान से पुण्य समझने के भ्रम को पालना कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा भ्रम तो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ही पालते हैं। वीरवर भी कुछ इसी प्रकार धोखा खा गया और कुटिल पत्नी को पर पुरुष के संग देखकर उसे सती साध्वी समझता रहा। सही राह। एक आदमी बहुत बड़े संत महात्मा के पास गया और बोला, हे मुनिवर, मैं राह भटक गया हूँ, कृपया मुझे बताएं कि सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता क्या है। संत ने एक नजर आदमी को देखा, फिर कहा, अभी मेरा साधना करने का समय हो गया है, सामने उस तालाब में एक मछली है, उसी से तुम यह सवाल पूछो, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगी। वह आदमी तालाब के पास गया, वहां उसे वह मछली दिखाई दी। मछली आराम कर रही थी। जैसे ही मछली ने अपनी आंख खोली तो उस आदमी ने अपना सवाल पूछा। मछली बोली, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगी, किंतु मैं सोकर उठी हूँ इसलिए मुझे प्यास लगी है, कृपया पीने के लिए एक लोटा जल लेकर आओ। वह आदमी बोला, कमाल है, तुम तो जल में ही रहती हो फिर भी प्यासी हो। मछली ने कहा, तुमने सही कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है, सच्चाई, ईमानदारी
पवित्रता तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसे यहाँ वहाँ खोजते फिरोगे तो वह सब नहीं मिलेगी। अतः स्वयं को पहचानो। उस आदमी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। कथासार: सुख शांति, ईमानदारी, पवित्रता व सच्चाई इत्यादि की खोज में मानव कहाँ कहाँ नहीं भटकता, क्या क्या जतन नहीं करता, फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वह नहीं जानता जिसकी खोज में वह भटक रहा है वह तो उसके भीतर ही मौजूद है। उसकी स्थिति पानी में रहकर मीन प्यासी जैसी हो जाती है। बिना विचारे जो करे। एक सुरमय वन में स्थित झील में बहुत से जलचर बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उन्हीं में एक केकड़ा और सारस भी थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। सारस को कोई दुख था तो बस ये कि एक सांप आकर उसके अंडे खा जाया करता था। एक दिन केकड़ा झील के किनारे बैठा था, तभी मुंह लटकाए सारस भी वहां पहुंचा। मित्र का उतरा हुआ चेहरा देखकर केकड़े ने पूछा, कहो मित्र मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बताऊं मित्र, फिर वही कहानी, सांप फिर मेरे अंडे खा गया। दिल छोटा मत करो, इस दुष्ट सर्प का अंत करना ही होगा, मेरे पास एक उपाय है। केकड़ा सारस के कान में फुसफुसाने लगा। सुनकर सारस की आंखों की चमक छा गई। सुझाव तो अच्छा है, अभी इस उपाय को करता हूँ, कहकर सारस झील की ओर चल दिया। झील के किनारे किसी मछुआरे ने मछलियां सुखाने रखी हुई थी। सारस ने एक मछली चोंच में दबाई और उसे नेवले के बिल के पास डाल दिया। इसी प्रकार उसने कुछ और मछलियां उठाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दी। सब कुछ केकड़े की योजना अनुसार हो रहा था। आसपास मछलियों की गंध पाकर नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियों को खाता हुआ वहां आ पहुंचा जहां सारस रहता था। पास ही सांप भी लेटा आराम कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को क्रोध से देखा और भिड़ गए। कुछ ही देर में नेवले ने सांप को मार डाला। यह देखकर सारस बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सारस की यह खुशी अधिक देर तक ना टिक सकी। अगले दिन नेवला मछलियों के लोभ में फिर वहां आ निकला, लेकिन उसे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि आज वहां एक भी मछली नहीं थी। तभी उसकी निगाह पास की झाड़ियों पर पड़ी। उन्हीं झाड़ियों में सारस की पत्नी ने अंडे दिए हुए थे। नेवला झाड़ियों में घुस गया और अंडे खाने लगा। तभी सारस का जोड़ा वहां आ गया। उन्होंने जब नेवले को झाड़ियों में बैठे अंडे खाते देखा तो माथा पीट लिया और अपने भाग्य को कोसने लगे। कथासार: सारस ने सांप से अंडे बचाने के लिए चाल चल कर उसे नेवले के हाथों मरवा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक आफत दूर करने के लिए दूसरी आफत को बुलावा दे रहा है। इसलिए कहा है, कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शिकारी को सबक। एक शिकारी ने बहुत से जानवरों का शिकार किया था। खास तौर पर वह खरगोशों का शिकार करता था। वह खरगोश को पकड़ता, बड़े से चाकू से उसकी गर्दन काटता और भून कर खा जाता। यह सत्य है कि पापी के पापों का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक बार इस शिकारी ने जंगल से एक खरगोश पकड़ा और अपने गांव की ओर चल दिया। उसने खरगोश को कानों से पकड़ रखा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक मुनि बैठा था। उसे खरगोश पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस नन्नी सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसे इतना कष्ट दे रहे हो? इसे छोड़ दो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। शिकारी हंसा और बोला, बाबा अब तो मैं इसे तुम्हारे सामने ही मारूंगा। उसने अपना बड़ा सा चाकू निकाल लिया। जैसे ही उसने चाकू को खरगोश की गर्दन पर चलाना चाहा कि चाकू उसके हाथ से छूटकर उसी के पैर पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। खरगोश भी हाथ से छूटकर जंगल में भाग गया। शिकारी को अपने किए की सजा मिल गई। उसका एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब वह शिकार पर भी नहीं जा सकता था। कथासार: जीव हिंसा करना पाप है। अपने शौक के लिए खरगोशों का वध करने वाला शिकारी भूल गया था कि उन्हें मारने के लिए उठाया चाकू स्वयं उसी का अहित भी कर सकता है। पाप का घड़ा तो एक दिन फूटना ही होता है। कुछ ऐसा ही उस शिकारी के साथ हुआ। नियत में खोट। एक नगर में जीरण धन नामक एक बनिया रहता था। उसकी आर्थिक दशा काफी खराब चल रही थी, इसलिए उसने किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर अपना भाग्य आजमाने का सोचा। उसके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, केवल पूर्वजों की धरोहर एक लोहे की तराजू थी। उस तराजू को उसने अपने एक विश्वस्त महाजन मित्र के पास बतौर अमानत के रूप में रख दिया और अपना जरूरी सामान लेकर दूसरे शहर की ओर चल दिया। संयोगवश वहां उसका भाग्य चमक उठा और उसने थोड़े ही समय में ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन सब कुछ समेट कर घर लौट आया। घर आने के बाद वह अपने मित्र के पास जाकर बोला, मित्र अब मेरी वह तराजू लौटा दो जिसे मैं तुम्हारे पास धरोहर रख गया था।
आपकी तराजू तो चूहे खा गए। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी तराजू सुरक्षित नहीं रख पाया, महाजन मित्र ने दुख प्रकट करते हुए कहा। जीर्ण धन बनिया काफी अनुभवी और बुद्धिमान था। महाजन की धूर्तता को भाप उसे सबक सिखाने का विचार कर शांत स्वर में बोला, मित्र आप दुख या शोक ना करें, एक दिन तो तराजू को नष्ट होना ही था। आपके यहाँ नष्ट हुई या मेरे यहाँ क्या अंतर पड़ता है? खैर लंबी यात्रा कर मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए समीप की नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। आप जरा अपने लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए, स्नान करते वक्त वह मेरे वस्त्र आभूषण आदि की देखभाल कर लेगा। महाजन ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। जीर्ण धन ने नदी तट पर पहुंचकर एक खोह में बालक को धकेल दिया और ऊपर से एक भारी शिला रख दी, जिससे बालक का बाहर निकलना कठिन हो गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर जीर्ण धन महाजन के पास गया। महाजन ने जीर्ण धन के साथ अपने पुत्र को ना पाकर पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है मित्र? मित्र बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बाज आपके बालक को उठाकर ले गया, देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं बहुत ही दुखी और लज्जित हूँ। महाजन फौरन जीर्ण धन की चालाकी को समझ गया और उसे तराजू वापस कर दी। तराजू को पाकर जीर्ण धन ने भी महाजन के बेटे को खोह में से निकाल कर उसे सौंप दिया। कथासार, भूल कर भी विश्वासघाती का संग ना करें। अगर फिर भी आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो जीर्ण धन की तरह बुद्धिमानी से काम लें। लोहा ही लोहे को काटता है। जब भारी भरकम तराजू चूहे चट कर सकते हैं तो हुष्ट पुष्ट बालक को भला बाज क्यों नहीं उठा ले जा सकता। नकलची का हर्ष। एक पहाड़ के उन्नत शिखर पर एक बाज रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में बरगद के एक विशाल वृक्ष पर कौवे का घोंसला था। वह कौवा बड़ा चलाक और धूरत था। उसका सदैव यही प्रयास रहता कि बिना परिश्रम किए कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो वह अपना पेट भर ले। उसी वृक्ष के निकट एक खोह में अनेक खरगोश रहते थे। खरगोश जब भी बाहर निकलते तो बाज ऊंची उड़ान भरकर झपट्टा मारता और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाता और फिर मजे से खाता। यह सब देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आता था। एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो ये चलाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं, यदि इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह झपट्टा मारकर पकड़ना होगा। अगले दिन कौवे ने भी खरगोश को झपटने के लिए आसमान तक ऊंची उड़ान भरी, फिर बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। अब कहां बाज और कहां कौवा? खरगोश ने कौवे को देख लिया और झट से वहां से भागकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपने ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। कथासार, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मात्र किसी को कुछ करते देख उसका अनुसरण करना ठीक नहीं, अपनी क्षमताएं व योग्यताएं भी पहचान लेनी चाहिए। कौवे ने यह सब याद नहीं रखा और बाज की नकल करने के चक्कर में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा।